नीचे से आती है काफ़ी गंदी बदबू। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे है? क्या ये नॉर्मल है? क्यों आती है ऐसी गंदी बदबू? क्या मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है? आप इन सब बातों को सोचती होंगे। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आप किसी से शेयर नहीं कर पाते। आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरोही। वीडियो पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। क्या स्मेल आना नॉर्मल है? जी हाँ, ये नॉर्मल है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फिशी ऑर्डर होना, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आना ख़राब है। आपको फिर इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत है, यानी कि केयर करने की ज़रूरत है। देखिए, स्मेल क्यों आता है इसके बारे में आपको जानना होगा। बॉडी में पीएच लेवल इंबैलेंस होने के कारण ही स्मेल आती है। कई बार आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, आप वैसी चीज़ें यूज़ करती हैं जो यूज़ ना करनी हो, जैसे कि आप यूज़ करती हैं हेयर रिमूवल क्रीम, इसी के साथ साथ ही आप अपने पैंटीज़ को सही से वॉश नहीं करती, आप कॉटन के क्लॉथ्स यूज़ नहीं करती, पीरियड के समय सही से ध्यान नहीं रखते। ये कुछ नॉर्मल रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण स्मेल आती है। स्मेल आने के कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन, यानी कि आपके ब्लड में ऐसी गंदगी हो गई जिसके वजह से आपका जो है पीएच लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। इसकी वजह से भी आपको आपके डिस्चार्ज में काफ़ी गंदी स्मेल आ सकती है। प्रेगनेंसी के बाद अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करती तो फिर आपको इसके प्रॉब्लम हो जाती है। खान पान का रखें अच्छे से ख्याल। आप ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको सिर्फ लेमन और गर्म पानी ही ज़रूरी है। नींबू का रस आपके बॉडी के इन्फ्लामेशन को कम करता है। ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। उसी के साथ तुलसी वाली चाय, जो बहुत सारे लोग पीना पसंद करते हैं, ये भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप नेचुरल चीज़ों से ही अपनी बॉडी की सफाई कर सकते हैं। ब्लड इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी बीमारियों का कारण होती है। उन्हीं में से फीमेल हेल्थ की बात करें तो ये आपके वजाइनल डिस्चार्ज के स्मेल का भी कारण बनती है। वाटर इनटेक को बढ़ाएं। वाटर इनटेक अगर आप ज़्यादा करती हैं तो फिर आपकी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ काफ़ी कम होती हैं, और आपका जो पीरियड है उसे कंटिन्यू करने के लिए आप अच्छे से सप्लीमेंट्स लें। आयरन्स और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, उसे अपने डाइट में इंक्लूड करें। ज़रूरत से ज़्यादा अगर फिशी स्मेल आता है या फिर स्मेल बहुत ज़्यादा ही गंदी है तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये कुछ और बीमारियों के भी लक्षण को बता सकती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।